कैसा है, इसकी क्या शरई हैसियत है। देखिए, इसके कुछ जवाज़ी सूरतें हो सकती हैं और हैं भी, लेकिन बेहतर यह है कि मैं हमेशा हम तो ये मशवरा देते हैं अपने अकाबरीन के मशवरों के मुताबिक कि इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट ना की जाए, क्योंकि इसमें कुछ नाजायज उनसुर होते हैं। इस तरीके से कि मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं, अगर उस कंपनी का जो माली मामलात हैं वो सूदी हैं, उसने बैंक से लोन वगैरह लिए हुए हैं, सूदी मामलात में चल रही है, तो उसमें ये शख्स भी इन्वॉल्व माना जाएगा। और भी बहुत सारे इसमें शरई कबाहतें कि ना शिरकत के पूरे शिरकत की रियायतें जो उसके मसाइल और उसूल हैं उसकी रियायत हो सकती है, ना बै यानी खरीद व फरोख्त के जो उसूल हैं शरई लिहाज से उनका इंसान पास लिहाज कर सकता है, लिहाजा इज्तिनाब में ही बेहतरी है। एक भाई ने फरमाया कि क्या मज़ारात औलिया पर जाकर